वे हमारा घर साफ रहे, बाहर जो है वो गंद फिरता रहे। सुबह टूथब्रश कर रहे होते हैं तो पानी खुला हुआ होता है, बत्तियां जली होती हैं, बत्तियां बंद करने की आदत नहीं है, पानी की टूटी बंद करने की आदत नहीं है। अपना जो प्लास्टिक पे बैन है पिछले 6 माह से पंजाब के अंदर, लेकिन फिर भी इस्तेमाल जारी है, जिसके ऊपर हमारा ईपीए इन्फोर्स करता है, सील करता है। 75 माइक्रोन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें आगाही से होती हैं। अब बात यह है कि जो पिछले 4 दिन का AQI है, उसमें जो विंड कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमारी तरफ थी, जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था। तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर भी ये प्रिडिक्शन हुई थी, और उसी के मुताबिक जो स्मॉग अलर्ट हम मीडिया को सुबह देते हैं, उस विंड की डायरेक्शन भी बताते हैं, वो सब आपको मालूम है। और यहाँ जो जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ उनको भी दे दें। और ये मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपने मास्क आज के AQI के ऊपर नहीं पहना हुआ तो आप मीथेन को इनहेल कर रहे हैं जो आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये मीथेन इस वक्त हम कोई हवा नहीं इनहेल कर रहे, हम मीथेन गैस को इनहेल कर रहे हैं, और वो हमारे रिस्पर 900 पेशेंट कल अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ है इन एडिशन, जो कि सिर्फ लाहौर में, और वो सिर्फ और सिर्फ गले की खराबी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की तकलीफ, जिसमें बच्चे और बूढ़े शामिल हैं 900। तो अगर आप उस 900 में शामिल नहीं हो, 900 से जायद, और अगर आप उस 900 से जायद में शामिल नहीं होना चाहते, तो मेरी शहरियों से भी अपील है कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकलें। मतलब हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी है, और कल पैकेजेस मॉल के अंदर और दूसरे ओपन जगहों के ऊपर बच्चे जो थे वो फैमिलीज जो थी लेकर गई हुई थी। हमने ऑनलाइन किया है।